एक्सट्रीम 300 डिजिटल मीटर दोस्तों, मेड इन ताइवान। रेडिएटर भी आएगा इसमें, पावर है ना विंच में। कोई भी चीज ना पीछे से भी ना खींच सकते हैं, और आगे के लिए इसमें ना विंच हो गई, इसमें सब कुछ मेंशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 99 एंटरप्राइजेस 10 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों एक्सट्रीम 300 सीसी की भी असेंबलिंग ये हो चुकी है। एक्सट्रीम 300 सीसी 2022 एडिशन फुली लोडेड। इस बार इसमें विंच भी आई है, इलेक्ट्रिक विंच है। एक्सट्रीम 300 सीसी 2022 एडिशन ऑटोमेटिक इंजन है। एक गियर आगे, एक गियर पीछे, सारी की सारी ना डिस्क ब्रेक्स हैं। अलॉय व्हील्स हैं 12 इंच के, जो कि ना प्रॉपरली ना ब्लॉक टायर्स हैं। पंचर भी नहीं होते हैं ना आसानी से। पीछे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक आएगी सब जगह पर। दोस्तों डबल साइलेंसर में बहुत बड़ी आवाज आएगी। अब चलिए मैं आपको इसकी ना एक एक ना करके ना चीजें ना दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ना दिखाता हूँ इसका ना डिजिटल मीटर। दोस्तों प्रॉपरली ना वर्किंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा ना फर्स्ट गियर पर आ गया। ये हमने जब न्यूट्रल ना करा तो ना न्यूट्रल आ गया, और जब हमने ये रिवर्स में ने डाला तो ये आर का आ गया, रिवर्स हो गया। सिर्फ इसमें ना पेट्रोल का इंडिकेशन नहीं होता है, बाकी ये सारा कुछ ये ना वर्किंग है। आपको मैं एक बार गियर का भी इसमें यार बता देता हूँ। ये फर्स्ट गियर न्यूट्रल और ये रिवर्स गियर। पीछे आप देखेंगे डबल साइलेंसर है, डबल ये ना साइलेंसर है। थ्रोबॉल हो गई, पीछे भी ना डिस्क ब्रेक हो गई। बैकरेस्ट भी आया है ना इस बार, इसमें बैकरेस्ट भी है। फुल्ली लोडेड सब कुछ है इसमें ना इस बारी एक्सट्रीम 300 सीसी 2022 एडिशन में सब कुछ है। कोई भी चीज मिसिंग नहीं है इसमें। ये देखिए ना दोस्तों, बहुत बढ़िया वाला 300 सीसी का इंजन, प्रॉपरली ना मेंशन है। देखिए मेड इन ताइवान। अलॉय व्हील्स हैं बढ़िया वाले, मोटे वाले। ये आपने देखेंगे ऑयल कूल इंजन है। रेडिएटर भी आएगा इसमें साथ में। मैं आपसे ना कह रहा हूं ना, ये फुली लोडेड है, इसके अंदर सब कुछ है दोस्तों। ये दोस्तों विंच होती है, इलेक्ट्रॉनिक विंच होती है। ये हम देखेंगे, ये पहले मैं आपको इसका ना कंट्रोलर दिखाता हूं ऊपर से ना। देखिए आप एक बार इसमें ये क्या लिखा हुआ, इन आउट। अभी मैंने ना इन करा था ना, अंदर हो गया। अब मैं इसको ना आउट करता हूं। आप इससे जैसे ही गाड़ी कहीं पे ना फंस गई, या फिर कोई और गाड़ी यार फंस गई, तो उसको आप इसमें विंच में ना करके आप इसको ना इलेक्ट्रॉनिकली इसको ना कर सकते हैं। बहुत पावर है ना विंच में। अब मैं इसको ये आपको अंदर कर देता हूं। सब कुछ है ना दोस्तों। एक बार आपको इसकी लाइट्स भी आप दिखाता हूं। लाइट्स देखिए क्या बढ़िया यार एलईडी यार लाइट्स के साथ है दोस्तों। बहुत बढ़िया वाला यार सस्पेंशन आए हैं, एयर बैग ये ना सस्पेंशन है। अब देखिए प्रॉपर कहीं से कोई यार झटका नहीं आएगा ना पीठ के ऊपर, प्रॉपरली आप अब देखेंगे। बहुत बढ़िया यार सस्पेंशन है। दोनों आगे भी ना डिस्क ब्रेक्स हैं, मतलब टोटली ना डिस्क ब्रेक्स हैं, सब जगह ना डिस्क ब्रेक्स हैं, आगे भी और पीछे भी। इसका ये जो ये हैंडल भी आया है ना, आप देखेंगे वुडन पैनल में आया है। बहुत बढ़िया हैंड, मतलब वो फिनिशिंग के ना साथ आया। देखिए आप एक बार ना पास से, बहुत ही बढ़िया और ये बेहतरीन इस बार यार चीज आई है। पहले भी अच्छी आती थी, बट इस बार ये फुली यार लोडेड है दोस्तों। वेट कैपेसिटी ने बता देता हूँ 400 किलो। हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट का ना वेट है 210 kg और वेट कैपेसिटी है 400 किलो, 400 kg का इसके ऊपर ये ना वेट कैपेसिटी है। प्रॉपरली दो लोग ना बैठ जाते हैं। अब देखिए प्रॉपरली ना दो लोगों के लिए ना
बैठने के लिए इसके अंदर ये स्पेस है, इसके अंदर ये बैक रेस्ट भी आया है। माइलेज भी ना दोस्तों इसकी इस बार बहुत बढ़िया है, 25 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल। आप ये ना मान के ना चलिए कि इतनी यार हैवी गाड़ी उसके में बावजूद भी आप इसमें 25 की आप एवरेज इसको ये ना पा सकते हैं ना पेट्रोल में। दोस्तों ये पीछे का एक बारी मैं आपको ना टॉप ऑल का एक बारी दिखाता हूँ ना सिस्टम दोबारा से। टॉप ऑल से आप यहाँ से आप कोई भी ना अलग से भी आप यहाँ पे ये ना लगा के कोई भी चीज ना पीछे से भी ना खींच सकते हैं। और आगे के लिए इसमें ना विंच हो गई और पीछे के लिए ये हो गया टो बॉल, इसको ये ना खींचने के लिए। दोस्तों ATVs पर कोई ना वारंटी गारंटी ना नहीं होती है, बट हम आपको इस बारी इसमें एमरॉन की बैटरी लगा के ना दे रहे हैं 2 साल की ना वारंटी के साथ। ऑल ओवर इंडिया में इसकी ये वो होगी 2 साल की यानी वारंटी के साथ एमरॉन की आपको ये बैटरी ना दे रहे हैं। वारंटी गारंटी की बिल्कुल भी नहीं होती है ATVs में, बट ये सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी बाइक मैकेनिक सर्विस रिपेयर इसको ये नहीं कर सकता है, कहीं पर भी हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया में ही ना हो जाती है। दोस्तों इसका जो हमने ना प्राइस रखा है वो आप ना मानेंगे नहीं, इतनी सारी ना स्पेसिफिकेशंस के ना बावजूद भी हमने इस बारी प्राइस को नहीं बढ़ने ना दिया है। लोगों को ना शिकायत होती थी कि जी आप ये प्राइजेस को ना बढ़ा रहे हैं, हम नहीं ना बढ़ाते थे ना प्राइजेस ये पीछे से ही ना बढ़कर आते थे, बट इस बारी हमने प्राइस को नहीं ना बढ़ने ना दिया है। हमने पूरी ना कोशिश करी है कि ना फ्रेट में और वहां से आने में एकदम ही रीजनेबल आए, कॉस्ट कटिंग से आए। दोस्तों जो अभी का ना प्राइस है वो है 2,10,000, बट दोस्तों ऑलरेडी मटेरियल ज्यादातर बुक हो चुका है, थोड़े से ही ना यूनिट्स हैं, तो प्लीज जिसको भी ना चाहिए हो ना बताना। कलर्स आपको ना बता देता हूँ, इसके अंदर एक तो ये ऑरेंज कलर है हमारा ना, फॉरेस्ट कलर है, दिखा दूंगा आपको ना नीचे, फॉरेस्ट कलर होगा, कैमो ब्लू, उसके बाद कैमो ना ग्रीन भी ना मिलेगा, ब्लैक भी ना कलर मिलेगा, और एक ये ना मिलिट्री ना कलर भी आपको ना दिखा देता हूँ। असेंबलिंग ये हो रही है ना किसी की, बुकिंग का ही है ये, जा रहा है ये हो गया हमारा मिलिट्री ग्रीन भी आपको इसके अंदर ये ना मिल जाएगा। एक बारी मैं आपको इसकी ये नेम प्लेट भी ना दिखा देता हूँ। ये देखिए ना दोस्तों, इसमें सब कुछ मेंशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन, वेट कैपेसिटी सब कुछ इसके अंदर ये ना मेंशन है। दोस्तों बहुत ही लिमिटेड सा ना स्टॉक है, प्लीज जिसको भी ना चाहिए हो हमारे आपको ना नंबर्स यहाँ पर ये ना मिल जाएंगे और ना डिस्क्रिप्शन में भी ना मिल जाएंगे, प्लीज हमको ना कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ना व्हाट्सएप से भी ना बात ना कर सकते हैं, और आप हमको ना कॉल करके भी ना इंक्वायरीज को ना कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ही ना डिलीवरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा ही होंगे, बट हाँ ना डिलीवरी ना हो जाएगी। हम जो ना ट्रांसपोर्ट पार्टनर यूज करते हैं वो ना VRL होता है या फिर TCI होता है या फिर ये गति होता है, सेफ और सिक्योर ही आता है आपके पास। तो ना दोस्तों जिसको भी ना चाहिए हो वो प्लीज हमसे ना जल्दी ना कॉन्टैक्ट करके इसको ही अपने पास ये ना मंगवा सकता है।